इस कॉन्सेप्ट को? आग का आविष्कार कौन करता, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, संस्कृति का निर्माण कौन सा मानव करता है? और थर्ड है सर कि हम लोग आधुनिक मानव का शुरुआत किस काल से करते हैं? ठीक है, एक मिनट, कुछ लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनको एडमिट कर लूं। ठीक है, एक मिनट बस मैं शुरू करता हूँ। हाँ, पहला ये प्रश्न आपका है कि आग का आविष्कार कौन करता है, ठीक है। आग का आविष्कार कल हम लोगों ने बात किया था इस पे। डायरेक्टस ये मानव का पूर्वज है जो आग का आविष्कार करता है। दूसरा आपका प्रश्न था कि संस्कृति का निर्माण कौन करता है, ठीक है। देखो, संस्कृति का निर्माण कौन करता है, इसको समझने का मतलब ये है कि सोशल साइंस में मनुष्य उसको कहा जाता है जिसने सर्वप्रथम औजार का निर्माण किया है, राइट। इस हिसाब से संस्कृति का निर्माण करने वाला जो मानव है वह है होमो हैबिलिस। ये होमो हैबिलिस जो है आपका होमो इरेक्टस का पूर्वज था, इससे पहले था होमो इरेक्टस, से पहले होमो हैबिलिस का डेवलपमेंट हुआ था और संस्कृति का निर्माण करने वाला जो मानव है ये होमो हैबिलिस था। और रवि रंजन, तीसरा आपका क्या प्रश्न था रवि रंजन? आधुनिक मानव होमो सेपियंस को, सर आधुनिक मानव को हम लोग काल कौन सा पढ़ते हैं? ऊंच पुरापाषाण काल। आधुनिक मानव जो है ये ऊंच पुरापाषाण काल में विकसित हुआ है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है जो इसके पहले के क्लास में किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग क्लास को शुरू करें, राइट। और किसी का भी कोई प्रश्न है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। और आज ए मेजर हमारा पोर्शन है इंडस सिविलाइजेशन, और इससे इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत आप क्या क्या आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान देनी चाहिए। तो आज की जो चर्चा है इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इसके नामकरण के संदर्भ में, यानी इंडस सिविलाइजेशन का जो नाम है कौन इसका सुटेबल नाम है, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन के संदर्भ में आजकल हम लोग चार प्रमुख नाम का उपयोग, यानी चार नामों का उपयोग आप जब पढ़ते हैं तो इंडस सिविलाइजेशन के लिए किया जाता है। इसलिए पहला तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या आप जब इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर क्वेश्चन बना दे कि इसमें कौन सा ज़्यादा परफेक्ट है, कौन सबसे ज़्यादा सूटेबल है, तो इंडस सिविलाइजेशन का जो नाम में है, शुरुआती समय में इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा गया या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, बाद में इसका साइंटिफिक के नामकरण हुआ। तो देखो, इतिहास में साइंटिफिक नामकरण किया जाता है उच्च से स्थल के आधार पर, जिस स्थल से सबसे पहले हमें
पुरावशेष प्राप्त होते हैं या जिस स्थल से संस्कृति के संदर्भ में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलता है उससे के आधार पर हमें संस्कृति का नाम वैज्ञानिक तौर पर करते हैं, और इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम जो है हरप्पन सिविलाइजेशन है। राइट, वैज्ञानिक नाम इसका हरप्पन सिविलाइजेशन है। लेकिन हाल के वर्षों में इतिहास के अंतर्गत एक ऐसा ग्रुप डेवलप किया है, और ख़ास करके जो घग्गर हाकरा बेसिन है भारत के राजस्थान के क्षेत्रों में, उस घग्गर हाकरा बेसिन के अंतर्गत एक्सकेवेशन किए गए हैं, और उस घग्गर हाकरा बेसिन के अंतर्गत जो एक्सकेवेशन किए गए हैं उससे एक नया नामकरण करने की प्रपाटी डेवलप की है, जिससे आप में से अधिकांश लोग परिचित नहीं होंगे। उसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के रूप में रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन आज भी अगर पूछा जाए कि सबसे इसका एप्रोप्रिएट नाम क्या है तो हम कहेंगे फिक नेम। लेकिन रिसेंट कभी क्वेश्चन बना देगा कि हाल के वर्षों में जो रिसर्च किए गए हैं, अनुसंधान किए गए हैं, उसके आधार पर इंडस सिविलाइजेशन का एक नया नामकरण किया गया है। ये नया नामकरण क्या है? तो ये है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। नामकरण के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना चाहिए इसके संदर्भ में, वो है इसकी डिस्कवरी। देखो, डिस्कवरी का मतलब है कि इंडस सिविलाइजेशन की खोज की हम बात करें कि इंडस सिविलाइजेशन का खोज जो है ये कैसे हुआ, और किस तरह से खोज से रिलेटेड फैक्ट्स जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट, इस पर भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं और सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो दोनों के अध्ययन का जो अप्रोच होता है वो डिफरेंट होता है। आप एक किसी भी विषय को जब ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो आपकी अध्ययन का दृष्टिकोण डिफरेंट होगा, और सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसका अप्रोच डिफरेंट होगा। तो खोज के संदर्भ में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इसके बारे में जानकारी कब मिली। तो एक के हैं चार्ल्स मेसन। राइट, इन्होंने 1826 ईस्वी में हरप्पा के टीलों का अवलोकन किया था। ध्यान ये रखना है, ये 1826 की मैं बात कर रहा हूँ, और पहली बार इन्होंने ये बात कही थी। ये इन्होंने ये बात नहीं कही थी कि ये हरप्पा सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, लेकिन जब इन्होंने हरप्पा के टीलों का ऑब्जर्वेशन किया, हरप्पा के टीलों का अवलोकन किया, तब इन्होंने कहा कि इस टीला के अंदर में संभवतः एक बहुत पुरानी सभ्यता का अवशेष हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ही इस बात को रेखांकित किया कि हरप्पा का जो टीला है उस टीले के अंतर्गत सिविलाइजेशन के अवशेष हो सकते हैं। चार्ल्स मेसन के बाद अगर बात करें तो दूसरा नाम है इसमें हम लोग बात करते हैं सर अलेक्जेंडर कनिघम। ये सर अलेक्जेंडर कनिघम ये दो दृष्टिकोण से हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ध्यान ये रखना है कि भारत में जो एक्सकेवेशन होता है उसका जो मेन डिपार्टमेंट है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, ESI की स्थापना जो है 1861 ईस्वी में किया गया था, और सर अलेक्जेंडर कनिघम ESI के पहले महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये पहले महानिदेशक थे, और इन्होंने 1872-73 में हरप्पा का एक्सकेवेशन भी किया था, थोड़ा सा हरप्पा का उत्खनन इन्होंने थोड़ा सा किया,
लेकिन हड़प्पा संस्कृति का जो इम्पोर्टेंस था उससे इम्पोर्टेंस को ये नहीं समझ पाए। हालांकि जब इन्होंने एक्सकेवेशन किया तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल जिसपे कुबरदार सांड का चित्र अंकित था वो इन्हें प्राप्त हुआ था और इनके नज़र में आया था, लेकिन तब ये इस बात को मान के उत्खनन कर रहे थे कि संभवतः जो बौद्धिस्ट स्थल है उसी का यह भाग होगा, और इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं हड़प्पा संस्कृति के जो महत्व था, हड़प्पा के टीले का जो महत्व था, आर्कियोलॉजिकल जो उसका महत्व था, उसको ये नहीं समझ पाए। और तब जाकर के 1921 में ये आपको नाम याद रखना है दयाराम सहनी, राइट, और एमएम वत्स, ये दो पर्सनालिटी हैं, ये 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन करते हैं। और इस समय 1921 में, क्योंकि आप जब किताब पढ़ते होंगे तो एक कन्फ्यूजन आपको क्या होता होगा कि कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि हड़प्पा का उत्खनन जॉन मार्शल ने किया, राइट। जॉन मार्शल जो थे 1921 ईस्वी में, ये जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में एएसआई के महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसलिए अधिकांश इनके पीरियड में जो उत्खनन हुआ है उसके लिए जॉन मार्शल का नाम भी आपको किताबों में देखने को मिलती है। लेकिन 1921 में हड़प्पा जो स्थल है ये इसका उत्खनन होता है, और ये करते हैं दयाराम सहनी और एमएम वत्स। दयाराम सहनी और एमएम वत्स के उत्खनन के बाद हमें इस बात की जानकारी होती है कि यह एक नगरीय सभ्यता है, और वहाँ से जो हड़प्पा संस्कृति है, वहाँ से हड़प्पा जो संस्कृति है उसका अब सिस्टमेटिक उत्खनन प्रारंभ होता है, और तब हम लोग सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं। अब उसके पहले अगर आप जाइएगा तो उसके पहले भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता था, यहाँ आकर के आपकी इतिहास के अंतर्गत एक नया सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की चर्चा होती है, और ये हड़प्पा सभ्यता हमारे पास सामने आता है। देखिए हड़प्पा बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है, और इसलिए हड़प्पा में फिर 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर भी इसका उत्खनन करते हैं, राइट। इसलिए हड़प्पा के अध्ययन के संदर्भ में आपको इनके नाम भी उसमें आएंगे जो बाद में इसका उत्खनन करते हैं, और इससे हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद राखालदास बनर्जी, ये इम्पॉर्टेंट साइट के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। राखालदास बनर्जी ये 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन करते हैं, राइट। और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है इसमें फिर आपको एम एम वत्स का नाम मिलेगा, क्योंकि माधव स्वरूप वत्स जो हैं भी मोहनजोदड़ो के उत्खनन में राखालदास बनर्जी के साथ थे, और इसलिए राखालदास बनर्जी का जो वर्क है या कई जगह पर किताबों में आपको नाम मिलता होगा। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ, ध्यान ये रखना है कि आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, और ऑब्जेक्टिव की तैयारी में कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। और चूँकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है
और इसलिए इसके उत्खनन के संदर्भ में भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसलिए आपको रिमेम्बर रखना है। लेकिन एक कन्फ्यूजन जो आपको क्रिएट होता है जब आप पुस्तकें पढ़ते हैं, तो कई जगह पर हड़प्पा के उत्खनन में भी एमएम बत्स का नाम है और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में भी एमएम बत्स का नाम है। चूँकि राखालदास बनर्जी जब उत्खनन कर रहे थे मोहनजोदड़ो का, तो उसके साथ माधो स्वरूप बत्स भी शामिल थे, और इसलिए आपको माधो स्वरूप बत्स का नाम भी यहाँ पर याद रखना है, ताकि आप चीज़ों को कन्फ्यूज नहीं करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत आप पूरी तरह से एक्यूरेट आंसर कर सकें। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से हमारी जो जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनने लगते हैं, और इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो लोथल, ये गुजरात में है। आगे हम आपको बात करेंगे, सारे साइट इम्पॉर्टेंट जो साइट है उस साइट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लोथल जो साइट है, इसका उत्खनन ऐसा राव ने किया है, यानी इसकी खोज, इसका उत्खनन ऐसा राव ने किया है, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और फिर कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा के उत्खनन में बीबी लाल, राइट, ब्रजवासी लाल इनका नाम है। ये उस समय डायरेक्टर जनरल थे 1960 के करीब में एएसआई का, और इनके निर्देशन में कालीबंगा का उत्खनन होता है 1960 ईस्वी में, और तब हमें कालीबंगा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण साइट आपका है धौलावीरा, राइट। इसका उत्खनन 1990 में आर्य से विष्ट करते हैं, राइट, आर्य विष्ट, ये 1990 ईस्वी में। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण साइट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हरियाणा में है, राखी गढ़ी। और हालांकि इसका उत्खनन पहले से हो रहा था, लेकिन 2020 में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सामने आया। इसका उत्खनन अमरेंद्र नाथ ने किया, और आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, भारत का बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है, जहाँ से हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो साइट्स है, उसको डिस्कवरी के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो फिर उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक्यूरेट हल करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। और इसको थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं। इसके बाद अर्नेस्ट मैके ने चन्हुद्रो का उत्खनन किया है। तो एक तरह से हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग स्थल जो हैं, उसके क्रमिक रूप से डिस्कवरी हुए, और डिस्कवरी होने के बाद अगर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेरे दृष्टिकोण से आपके लिए जो दिखाई देती है, वो आप ध्यान में रखिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जोग्राफिकल एक्सपेंशन है ना, भौगोलिक विस्तार, अब देखिए आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत एक मैप दिया हुआ, बहुत अच्छा मैप दिया हुआ है। उस मैप को आप देखिए, और जब मैप को आप देखिएगा, तो एक तो आपका जो हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार है, आज के डेट में तीन देशों में है। एक है अफगानिस्तान,
दूसरा पाकिस्तान और तीसरा भारत, ये तीनों देशों में है, राइट। तो पहला तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जो लोग एकदम नए हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। कभी एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन बना सकता है, देखो बीपीएससी बहुत ही इजी क्वेश्चन बनाता है और उसमें लोग गलतियां कर जाते हैं, तो उसमें लोग गलतियां कर जाते हैं तो आपके दिमाग में बातें इस तरह से मतलब फिट होना चाहिए कि आप पे एकदम क्लियर कट बता सकें। अदरवाइज़ अगर पूछ दे कि कितने देशों में मिला है और फिर उसमें 1, 2, 3, 4 विकल्प दे दे और आप ठीक ढंग से उसको नहीं देखे हैं इसके भूगोल को, तो फिर आप वहाँ पर गलत कर बैठते हैं। इसके अलावा जो भौगोलिक विस्तार की जो बातें हैं, हालांकि अफ़गानिस्तान में बहुत साइट नहीं हैं, यहाँ से 2 महत्वपूर्ण साइट है जिसको है जिसका उत्खनन किया गया है, ये है एक सुतुरघई और दूसरा है मुंडीगांव, राइट। पहला सुतुरघई, दूसरा मुंडीगांव, ये 2 इम्पॉर्टेंट साइट को आपको ध्यान में रखना है कि ये अफगानिस्तान में है। बाकी सबसे मेजर जो ज़्यादातर साइट हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में हैं, लेकिन ये 2 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से एक्सकेवेटेड 2 ही इम्पॉर्टेंट साइट है, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो जानकारी नहीं है तो क्वेश्चन ने कई बार अगर पूछ देगा उस पर तो फिर आप मिस कर जाएंगे क्वेश्चन को। दूसरा कि जब आप हरप्पा सिविलाइजेशन के जैसे आप ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो एक मैप आप जो देखते होंगे है ना, तो उसमें ध्यान ये रखना है कि हमको सबसे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे वेस्ट में है, ध्यान ये रखिए कि सबसे वेस्ट में, राइट, ये है सुतका गेंडोर, ये यहाँ पर है, सबसे वेस्ट में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अरब सागर के नज़दीक है। और एक और चीज़ ध्यान में रखना है, जब आप हड़प्पा सभ्यता को ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जो साइट हैं, जैसे ये नदी घाटी सभ्यता है तो नदियों के किनारे यह सभ्यता डेवलप किया है, तो ये सुतका गेंडोर जो है ये दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। नदियों का नाम आपको याद रखना है कि कौन प्रमुख जो साइट है वो किस नदी के किनारे है, क्योंकि अगर हम इसको कहते हैं कि यह एक नदी घाटी सभ्यता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सुतका गेंडोर किस से नदी के किनारे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है, लोथल किस नदी के किनारे है। तो सबसे जो वेस्ट में हमारा साइट है ये है सुतका गेंडोर, और ईस्ट में जो साइट है हमारे पास, सबसे ईस्ट में जो साइट है, सबसे पूर्व में जो साइट है ये है आलमगीरपुर, राइट। ये आलमगीरपुर यूपी के मेरठ जिले में है, ये उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले में है, और ये आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखिएगा, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर अवस्थित है। और चूंकि ये सबसे पूर्वी साइट है इसलिए हमारे लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, और सुतका गेंडोर और आलमगीरपुर की जो दूरी है ये 1600 किलोमीटर है, ध्यान ये रखना है, इसके पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो दूरी है 1600 किलोमीटर। और ये भी हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद इसका सबसे नॉर्थ में जो साइट है
ये साइट जम्मू कश्मीर में मांडा है, और ये मांडा जो है ऑन द बैंक ऑफ चेनाब रिवर, राइट। और सबसे साउथ वाले साइट के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। एक है यहाँ पर भगत राव जो गुजरात में है, राइट, भगत राव, और कहीं कहीं दैमाबाद को भी साउथ के सबसे साउथ के छोर के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट दैमाबाद को चालकोलिथिक साइट के रूप में ही रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये भगत राव जो है ये किम सागर संगम पर अवस्थित है, किम सागर संगम पर अवस्थित है, राइट। और मांडा और भगत राव की जो दूरी है ये 1100 किलोमीटर है। ध्यान ये रखना है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी 1100 किलोमीटर है, यानी उत्तर दक्षिण इसका जो विस्तार है वो 1100 किलोमीटर और पश्चिम पूरा विस्तार जो है वो 1600 किलोमीटर, और इसका कुल क्षेत्रफल जो है ये है आपका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, राइट, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर आज के पाकिस्तान से, पाकिस्तान का जो पूरा क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल ज़्यादा था, आज के कई देशों से देशों के क्षेत्रफल से बड़ा क्षेत्रफल था हड़प्पा सभ्यता का। और इसलिए एक तो ज्योग्राफिकल में ए याद रखिएगा, फिर ज्योग्राफिकल जब डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट साइट को भी ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर हड़प्पा है तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, यहाँ पर फिर मोहनजोदड़ो है तो ये सिंध नदी के तट पर है, यहाँ पर कालीबंगा है ये घग्गर नदी के तट पर है, यहाँ पर रूपड़ है ये सतलज नदी के तट पर है, यहाँ पर लूथल है ये भोगवा नदी के तट पर है, और यहाँ पर धौलाबीरा है जो खम्भात की खाड़ी में है। तो जो इम्पॉर्टेंट साइट है वो साइट किस नदी के किनारे पे है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं तो फिर आप एक क्वेश्चन को पूरी एक्यूरेसी के साथ जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। और इस तरह से एक और चीज़ ध्यान में रखना है, जब आप ज्योग्राफिकल इसके विस्तार को पढ़ते हैं तो देखो ज्योग्राफिकल इसका जो विस्तार है उसको अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ पर शुतुरघई मुंडेगा यहाँ पर आपको है हिंदू कुश पर्वतमाला के रीजन में, तो एक तरह से आप अगर बनाएंगे इसके ज्योग्राफिकल विस्तार को तो एक तरह से ये जो इलाका है, हालांकि बीच का कुछ इलाके में ये नहीं है लेकिन ये सब इलाके में ये है, तो इसके ज्योग्राफिकल विस्तार को जब आप देखोगे तो यहाँ पर एक तो हिंदू कुश पर्वतमाला में ये है फैला हुआ, दूसरा ये बलूचिस्तान का पठारी इलाका है, राइट, फिर तीसरा आप देखोगे कि ये समुद्र तटवर्ती इलाका है जहाँ पर सुतका गेंडोर जो है, यहाँ पर सुतका को है, यहाँ बालाकोट है, और फिर ये लोथल भी जो है समुद्र तटवर्ती है या भगत राव समुद्र तटवर्ती इलाके में है, और ये इलाका मैदानी है इधर से, और फिर पंजाब और हरियाणा के जो प्रदेश हैं राजस्थान के ये मैदानी इलाके में हैं, यानी इसकी जो ज्योग्राफिकल जो विस्तार है उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका भौगोलिक जो एरिया है वो एक तरह का नहीं है, राइट, इसके भौगोलिक विस्तार जो है उस भौगोलिक विस्तार में भी विविधता दिखाई दे रही है। आगे हम लोग देखेंगे कि इतनी बड़ी विविधता के बावजूद इतनी ज़्यादा विविधता है इसके भूगोल में, तो फिर भी इन लोगों ने इस प्रकार की एकरूप संस्कृति का विकास कैसे कर दिया, राइट। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे और इस पे ध्यान से थोड़ा सा देखना है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, अदरवाइज जो क्वेश्चन है
देखो अगर हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं, हाँ, दूरी 483 किलोमीटर है, ठीक है, तो ज्योग्राफिकल विस्तार हम जो बात कर रहे हैं, आपको अदर भी जब साइट आप देखोगे, जैसे एनसीईआरटी जब पुस्तक आप पढ़ना, तो आप ध्यान रखना कि एनसीईआरटी पुस्तक में जो मैप दिया हुआ है उस मैप को बहुत ध्यान से देखना है, और उसके आधार पर ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको एकदम माइंड में सेट होना चाहिए इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को, और उसमें यह बात भी आपको सोचना है कि आखिर इतनी बड़ी विविधता है इस सभ्यता में, तो इतनी बड़ी विविधता के बावजूद ये कैसे एक रूप पे सभ्यता का विकास कर लिए, एक रूप संस्कृति का विकास कर लिए, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है समझ के दृष्टिकोण से। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें इसका सभ्यता के ओरिजिन को समझने का प्रयास करेंगे, राइट, इसका उद्भव कैसे हुआ, राइट, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। हालांकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का वो कम बनेगा, लेकिन आप अगर अंडरस्टैंड करने चाहते हैं कि हम हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें, तो हमें इसके ओरिजिन को भी समझनी होती है, और ओरिजिन के अंतर्गत एक तो डिबेट है ना, या डिस्प्यूट है कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, राइट, और इस हिसाब से हालांकि कई थ्योरीज है, जैसे आज के डेट में जो मैंने आपको बताया कि इंडस सरस्वती संस्कृति का नामकरण किया जा रहा उसके रूप में, तो कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो दिखा रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो है आर्यों की ही संस्कृति थी, और ये बहुत पुरानी थी, 5000 बीसी से ये 5500 बीसी से डेवलप हो रही थी, एक इतिहासकारों का ऐसा वर्ग है, और उसी के आधार पर उन लोगों ने इसका नामकरण इंडस सरस्वती संस्कृति करने का प्रयास किया है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ओरिजिन के बारे में हालांकि कई थ्योरीज है, बट दो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, एक तो है डिफ्यूजन, द डिफ्यूजन थ्योरी, द डिफ्यूजन थ्योरी, राइट, इसी को हम लोग इस रूप में भी देखते हैं, फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, राइट, और इसका प्रतिपादन करते हैं मैकडोनाल्ड और मार्टिमर व्हीलर, राइट, इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें कि जब हड़प्पा सभ्यता का उद्भव नहीं हुआ था, यानी इसकी खोज नहीं की गई थी 1921 ईस्वी के पूर्व, तो 1921 ईस्वी के पूर्व भारत का इतिहास, वैदिक के काल से भारत का इतिहास शुरू होता था 1921 के पूर्व, ध्यान रखना कि 1921 के पूर्व जो अंग्रेज कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो वहाँ पर भारत का इतिहास जो शुरू होता था वो वैदिक काल से होता था, और आर्यों के इतिहास को उन लोगों ने स्थापित किया था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं, और आर्य के संतान भारत में भी हैं और यूरोप में ही है, में भी हैं। उन्होंने एक थ्योरी प्रतिपादित किया था कि जो वैदिक आर्य हैं ये मध्य एशिया से ईरान आए, और ईरान आने के बाद ये दो भाग में विभाजित हो जाते हैं, एक भाग पूरब की ओर आता है और दूसरा भाग पश्चिम की ओर जाता है, पूरब की ओर जो आता है उससे भारत में आर्यन संस्कृति का विकास होता है, और भारत की उच्च जाति के जो लोग हैं, अपर कास्ट के जो लोग हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया के, ये लोग उसी वैदिक आर्यों के संतान हैं,
और पश्चिम में गए, यूरोप में जो गए, तो यूरोप में जो जनसंख्या है, चाहे वो ब्रिटेन का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, वो वैदिक आर्यों के ही संतान हैं। इसलिए भारत के ऊंच जाति के लोग और अंग्रेज जो हैं उनके बीच बरसों से रिश्तेदारी है। अंग्रेज फॉरेनर नहीं हैं, बल्कि आपके संबंधी हैं, हम संबंधी हैं, और दोनों मिल करके भारत पर शासन किया जाए। यानी उच्च जाति के लोगों को, भारत के जो उच्च जाति के लोग हैं उनको, और उन्होंने स्वयं को भी आर्यन का संतान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, और इस तरह से भारतीय इतिहास का इंटरप्रेशन शुरू किया था। और भारतीय इतिहास का अध्ययन जो है हमारा 1921 के पूर्व वैदिक काल से होता था। लेकिन 1921 ईस्वी में जब एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, देखा गया कि भारत में एक नगरीय सभ्यता का विकास बहुत पहले हो चुका था, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन के बाद एक बहुत ही डेवलप नगरीय सभ्यता के बारे में जब हमें जानकारी मिलती है, तो उनके पास एक चैलेंज होता है उनके सामने कि हम अब इसको कैसे इंटरप्रिटेशन करें। तो देखो, अंग्रेजों ने जो भारत का इतिहास लेखन किया, राइट, भारत में जिस इतिहास को पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, जैसे आप देखोगे कि अक्सर जब सरकारें बदलती है भारत में, अभी वर्तमान की मैं बात करता हूँ, तो और विषय का किताब बदले या ना बदले, इतिहास का किताब बदल जाता है, इतिहास का इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। कांग्रेस के काल में इतिहास का इंटरप्रिटेशन अलग होता है, बीजेपी के शासन में इतिहास का इंटरप्रिटेशन अलग होता है। तो इतिहास के नवीन इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जो सत्ताधारी वर्ग होता है, वह सत्ताधारी वर्ग समाज के लोगों के बीच अपने सामाजिक आधार का निर्माण करते हैं, अपने फॉलोअर क्रिएट करते हैं। और अंग्रेजों ने भारत में जो भारतीय इतिहास का लेखन किया था, उसमें वैदिक आर्यों के साथ अपने संबंध को दिखा करके, और उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया था कि हम लोग फॉरेनर नहीं हैं। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और उनके सामने एक नगरीय सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता क्या है, नगरीय सभ्यता, और वैदिक के जो संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, राइट, ध्यान ये रखना है कि अगर वे लोग एक ग्रामीण कल्चर को, एक रूलर संस्कृति, एक विलेज संस्कृति को कह रहे हैं कि आर्यों ने इसका निर्माण किया था, वो हमारे पूर्वज हैं और आपके भी पूर्वज थे, और उसको गौरवान्वित करने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक था कि एक ग्रामीण संस्कृति से नगरीय संस्कृति का डेवलपमेंट एक एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को दिखाता है। तो इस एडवांसमेंट को कैसे इंटरप्रेट करें, इसको इंटरप्रेट करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पर सिंधु सभ्यता के जो उद्भव है, हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है, उसको डिफ्यूजन थ्योरी या फॉरेन ओरिजिन थ्योरी या अकस्मात उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में दिखाया। अब कैसे दिखा रहा, तो हड़प्पा सभ्यता जिस काल में डेवलप होती है, इसका जो पैरेलल है, देखो इसकी पैरेलल सभ्यता कौन कौन से हैं, तो मेसोपोटामिया का सुमेरिया सभ्यता, राइट, ये मेसोपोटामिया वर्तमान में आपको इराक को कहते हैं, और ये यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी घाटी में इस सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था। इसके अलावा मिस्र में नील नदी घाटी की सभ्यता डेवलप होती है, नील नदी घाटी की सभ्यता, और चीन में हांगहो नदी घाटी की सभ्यता डेवलप हुई थी, हांगहो नदी घाटी की सभ्यता, और उसी के पैरेलल जो है भारत में इंडस से सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था, नगरीय सभ्यता ये भी था। मिस्र की नील नदी की घाटी सभ्यता भी नगरीय थी, और मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता भी नगरीय थी, चीन की हांगहो नदी घाटी की सभ्यता भी एक नगरीय सभ्यता थी। तो उन लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन करना शुरू किया यहाँ से, और उन्होंने कहा
कि जो भारत में नगरीय सभ्यता का विकास हुआ है, यह सभ्यता भारतीयों के द्वारा नहीं विकसित है। राइट right? हाँ क्या ग्रीक की सभ्यता बहुत बाद में डेवलप होती है, इस समय ग्रीक की सभ्यता नहीं डेवलप होती है। देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मजेदार चीज इसमें क्या है, जब इतिहास आप पढ़ोगे तो अंग्रेजों ने ये बात भारत में स्थापित किया था कि हम भारत का विकास करेंगे क्योंकि हम लोग विकसित लोग हैं। राइट लेकिन जब वो अतीत में झांक रहे थे तो अतीत में उनकी जो संस्कृति थी वो बहुत विकसित नहीं थी, और इसलिए उन लोगों ने, इसलिए भी उन्होंने अपने साथ वैदिक संस्कृति के साथ स्वयं को जोड़ने का प्रयास किया। और ग्रीक की सभ्यता तो बहुत बाद में डेवलप होती है। राइट विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है यह है मिस्र की नील नदी घाटी की सभ्यता, यह सबसे पुराना है। सबसे पहले नगरीय समाज का डेवलपमेंट मिस्र में होता है, फिर मेसोपोटामिया में होता है, फिर इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता है, और फिर चीन के हांगू नदी घाटी में सभ्यता का डेवलपमेंट होता है। ये लगभग 3000 BC के करीब डेवलप होता है, जबकि ग्रीक की सभ्यता आप जाओगे तो 1000 के बाद है। राइट और इसलिए जब उन लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन करना शुरू किया तो पहला चीज़ कहा कि यह सभ्यता भारतीयों के द्वारा विकसित नहीं है। तो कैसे विकसित है, तो उन लोगों ने कहा कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता के लोगों के द्वारा विकसित है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता का विकास जो है भारत के सिंधु सभ्यता से पहले हुआ था, और मेसोपोटामिया के सुमेरिया सभ्यता का जो विकास हुआ तो उस मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु क्षेत्र का औपनिवेशीकरण किया। देखो उन्होंने भी भारत में उपनिवेश की स्थापना की थी, तो उन्होंने भी भारत में उपनिवेश की स्थापना की थी, तो वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे थे भारतीय जो बौद्धिक वर्ग है उसके माइंड पर कि औपनिवेशीकरण आपका इतिहास रहा है, भारत का यह इतिहास रहा है कि भारत में जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं वह सब बाहर से आया हुआ है, और इसलिए बाहर के लोगों के साथ जो है आप किसी तरह से ये आप मत सोचिए कि बाहरी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, बल्कि बाहरी लोग जब जब भारत में आए हैं उन लोगों ने भारत में अच्छी चीज़ें दी है, अच्छा डेवलपमेंट भारत में दिया है, और इसलिए वो इस चीज़ को स्थापित यहाँ कर रहे हैं कि मेसोपोटामिया के सुमेरिया के लोग यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद वे लोग भारत में जो टेक्निक इन लोगों ने डेवलप किया था उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके और अचानक ही इस सभ्यता का विकास किया था, क्योंकि यह सभ्यता ग्रेजुअल डेवलप नहीं हुई है, यह क्रमिक रूप से विकसित नहीं हुई है, ये बाहर से लाया गया सभ्यता है, उधार लाया गया है, दूसरी जगह से आप टेक्निक आपने लाया और उस टेक्निक के माध्यम से आपने इस सभ्यता का डेवलपमेंट किया। राइट हालांकि पीटी में इससे ज़्यादा इससे पॉइंट पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, और इसलिए आप पे बहुत अंदर में जाकर इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि इतिहास आगे भी हम लोग पढ़ेंगे तो वो कैसे कैसे इतिहास की धारा बढ़ेगी। और दूसरा जो इसका थ्योरी है, दूसरा जो थ्योरी हम लोग बात करें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये इंडिजेनस थ्योरी। राइट इसको हिंदी में लिखते हैं देशज उत्पत्ति का सिद्धांत। या देशी उत्पत्ति का सिद्धांत या स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत या क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। राइट यानी सभ्यता ये कह रहा कि यह सभ्यता क्रमिक रूप से विकसित हो रही है, ये अप्रोच कह रहा। और इसके प्रतिपादक हैं अल्चिन दंपति, है ना, अल्चिन आपको किताबों में मिलेगा, डीपी अग्रवाल भी इसका समर्थन करते हैं, भारत के अधिकांश इतिहासकार इसका समर्थन करते हैं। तो ये इंडिजेनस जो थ्योरी है
ये कहता है कि सिंधु सभ्यता का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, राइट? इस सभ्यता का विकास, सभ्यता का विकास क्रमिक रूप से भारतीय लोगों के द्वारा किया गया है। राइट? ये उसको इनकार करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। ये कहता है कि इस सभ्यता का विकास भारतीय लोगों के द्वारा क्रमिक रूप से किया गया है। तो क्रमिक रूप से किया गया है, तो इसको समझने के लिए पीछे में हम लोग को जाना पड़ेगा। ये लोग बताते भी हैं कि अगर सिंधु सभ्यता के विकास को आप देखोगे तो एक चरण है प्राक हड़प्पा संस्कृति, प्री हरपन कल्चर, राइट? और इसका टाइम पीरियड है 5500 से 3500 BC। दूसरा है आरंभिक हड़प्पा, राइट? इसका टाइम पीरियड है 3500 से 2600 BC। और तीसरा है विकसित हड़प्पा, इसका टाइम पीरियड है 2600 से 1800 BC या BCE। आजकल आप यूज कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले बताया था, तो विषि या BCE भी आप यूज कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ाई किया, हमने आपको नौ पाषाण काल तक हमने आपको बताया था, ठीक है? नौ पाषाण काल हमने ये बताया था कि नौ पाषाण काल भारत में सबसे पहले 7000 BC में मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, और मेहरगढ़ साइट हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमें याद रखना है मेहरगढ़ साइट को, क्योंकि मेहरगढ़ एक ऐसा साइट है जहाँ से नौ पाषाण काल से लेके ताम्रपाषाण और हड़प्पा संस्कृति का क्रमिक विकास का प्रमाण मिलता है, राइट? हालांकि 7000 BC में भारत में भी लहुरा देव एक नया साइट का रिसर्च में आया है, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है, वहाँ से भी 7000 BC में एग्रीकल्चर का प्रमाण मिलता है। तो हम लोगों ने जो नौ पाषाण काल है इसको पढ़ा 7000 BC से इस टाइम पीरियड में, और ये जो पीरियड है ये है ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक। अब देखो यहाँ एक चालकोलिथिक को लेकर के कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होती है जब आप पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। तो जनरली भारत में जो चालकोलिथिक पीरियड है, जब आप NCERT की पुस्तक पढ़ेंगे तो हड़प्पा संस्कृति के बाद दिया हुआ है, राइट? रामशरण शर्मा वाली पुस्तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हड़प्पा जो सभ्यता है, जो चैप्टर है, उसके बाद आपको ताम्रपाषाणिक संस्कृति का जो है चैप्टर बनाया हुआ है। तो भारत में जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है ये यहाँ भी दिखाई देगा, जो कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति एक होता है, और ये ज़्यादा पॉपुलर है, लेट हड़प्पा इसको बोलते हैं, लेट हड़प्पन कल्चर, जिसको थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें आपका जोड़वे संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, सालवदा संस्कृति, और आहार संस्कृति, आहार संस्कृति या बनास घाटी इसको
वनास घाटी संस्कृति भी कहते हैं। ये रामशरण शर्मा द्वारा जो लिखित पुस्तक है NCERT, उसमें बड़ा डिटेल दिया हुआ है, राइट। ये ताम्पसानिक संस्कृति है, राइट, जो कि लेट हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति के विकास के पूर्व भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ था। और नवपाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा कि नवपाषाण काल में हम पत्थर के हथियार औजारों का उपयोग करके एग्रीकल्चर शुरू किए थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास धातु का उपयोग नहीं है, ध्यान ही रखना है कि प्री हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग यहाँ पर धातु का उपयोग नहीं कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग चालकोलिथिक पीरियड जो है हड़प्पा के पूर्व है, यहाँ पर हमारे पास हथियार आ गया ताम्र धातु का और प्लस पत्थर। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो कृषि कर रहे हैं, एकदम बेसिक समझ डेवलप करना है कि कृषि की शुरुआत तो यहाँ हुई, लेकिन कृषि का फॉर्मेट क्या है, कैसे वो लोग खेती करते थे। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, आपके कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप करेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आप जो इतिहास में आपको जो समस्या होती है कि चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, आप पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, फैक्ट्स आपको याद नहीं रहती है, तो इस कारण से नहीं रहती है क्योंकि सिस्मेटिक ढंग से और साइंटिफिक ढंग से आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो एग्रीकल्चर जो होता है नवपाषाण काल में, ये कृषि का फॉर्म क्या है, ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन है ना। आप लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन का नाम सुने हैं, स्थानांतरित कृषि, राइट। ये किसी का अर्लीस्ट फॉर्म है जिसमें खेती में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। उस समय नवपाषाण काल में क्या होता था कि जो झाड़ी नुमा जंगल है, उस झाड़ी नुमा जंगल में आग लगा दिया जाता था और उसको छोड़ दिया जाता था। फिर वर्षा जब होगी तो वर्षा उस पर होती थी, और फिर जब मिट्टी गीला हो जाती है तो फिर किसी लकड़ी या डंडे से उसको इस तरह से उसमें छेदा करके और फिर उसमें अनाज डाल दिया जाता था, बीज डाल दिया जाता था, और नेचुरल रूप में उसको होने दिया जाता था, जिसमें जो कृषि का उत्पादन था अधिशेष सरप्लस उत्पादन बहुत कम होता था, क्योंकि हमारा यह कृषि टेक्नोलॉजी बहुत ही बैकवर्ड था, राइट। यहाँ पर आकर क्या होता है, ध्यान ये रखना है कि ये जो पीरियड है जब हम एग्रीकल्चर में ताम्र धातु का उपयोग करते हैं और पत्थर के औजारों का उपयोग करते हैं, तो इससे पहली बार क्या होता है कि अस्थाई कृषि का विकास होता है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर पहली बार हमारे पास क्या होता है कि परमानेंट एग्रीकल्चर शुरू होता है। यानी एक ही खेत में, जैसे नवपाषाणिक एग्रीकल्चर का जो स्वरूप था उसमें क्या होता था कि एक जो फील्ड है उसमें इस बार खेती किए, फिर फील्ड को छोड़ दिए, फिर नए फील्ड में उस प्रक्रिया को दोहराते थे, जिसके कारण हमारा उत्पादन बहुत सीमित था। ताम्रपाषाण काल जब तांबे के औजार का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम अस्थाई कृषि का विकास करते हैं। इससे क्या होता है कि कृषि अधिशेष की मात्रा में वृद्धि होती है, कृषि अधिशेष की मात्रा में वृद्धि, राइट। कृषि का जो सरप्लस प्रोडक्शन है, उस सरप्लस प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये ताम्र धातु सभी जगह उपलब्ध नहीं था, राइट। ये मानव इतिहास में जब हम मेटल का यूज़ करना शुरू करते हैं, तो मेटल के यूज़ के साथ साथ हमारे पास एक ट्रेड का कॉन्सेप्ट पहली बार डेवलप होता है मानव इतिहास में, क्योंकि तांबा जो है सभी जगह उपलब्ध नहीं है। तो जहाँ पर तांबा उपलब्ध नहीं है, वहाँ के लोग जो है इसको कहीं दूसरी जगह से इम्पोर्ट करेंगे, और इसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड का डेवलपमेंट होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड का डेवलपमेंट होगा, यानी छोटी दूरी का व्यापार। यानी अब अगर हम बात करें तो अगर
कुछ इलाका है वहाँ पर तांबा नहीं है, तो उससे कोई दूसरा कबीला तांबे का हथियार लेगा, फिर तीसरे को बेचेगा, फिर इस तरह से हो जाएगा। एक जगह का व्यक्ति ऐसा नहीं था कि 50 किलोमीटर जा कर के ट्रेड कर रहा, ठीक है, एक चैन ये शुरू होता है। तीसरा चीज़ क्या होता है कि यहाँ पर हमने बताया था आपको कि झुग्गी झोपड़ी का ही निर्माण होता है, ये लोग झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं, मतलब हाउस जो है इनका झुग्गी झोपड़ी का है। यहाँ पर मिट्टी के घर या नरकुल के घर, नरकुल का घर का मतलब क्या है, जो छप्पर होता था, खपरा का जो घर बनता था हम लोग के गांव में पहले, अभी भी गांव में मिलेगा, वो यहाँ पर डेवलप होता है। और इसके कारण क्या होती है कि यहाँ पर जनसंख्या का भी वृद्धि होती है। देखो जनसंख्या वृद्धि होगी यहाँ पर, और जो आज आप देखते हो कि जैसे आज हम कहते हैं कि जनसंख्या की समस्याएं हैं, जनसंख्या एक हमारे लिए समस्या है, जब प्राचीन काल पढ़ोगे, मध्य काल पढ़ोगे, तो कभी जनसंख्या एक समस्या नहीं रही है। और इसलिए अधिकांश संस्कृति में, अधिकांश सभ्यता में बच्चों के उत्पादन पर बल दिया जाता है, बच्चों के उत्पादन को कंट्रोल करने पर बल नहीं दिया जाता है। तो जनसंख्या का यहाँ वृद्धि भी होती है और अपेक्षाकृत बड़े गांवों का विकास होता है, यहाँ पर बड़े बड़े गांवों का विकास होता है, राइट। और ये साक्षम को कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़, और दूसरा साइट है किलेगुल मोहम्मद। यानी कि अगर हम बात करें कि नौपाषाण काल से अगला जो चरण है हमारा, जो प्री हरपन जो साइट है, उस प्री हरपन जो चरण है, उस प्री हरपन चरण से हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आते हैं तो कुछ डेवलपमेंट होता है, लेकिन अभी भी संस्कृति क्या है, ग्रामीण है। ध्यान ये रखना है कि ग्रामीण संस्कृति है ये, ऐसा नहीं है कि नगर का यहाँ पर डेवलपमेंट है, लेकिन एक क्रमिक के विकास ये दिखा रहा है। इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर आरंभिक हरपा जो चरण है, यानी 3500 से 2600 बीसी, ये 3500 से 2600 बीसी जब आप देखोगे तो एक तरह से मिस्र की नील नदी घाटी में नगर का डेवलपमेंट हो गया था, और मेसोपोटामिया में भी नगर का डेवलपमेंट हो गया था। मेसोपोटामिया की जो सुमेरिया सभ्यता है, उससे मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता में नगरीय संस्कृति का विकास हो गया था। इस समय भारत में क्या स्थिति है, जब हम बात करें तो भारत की क्या स्थिति है, तो इसमें भारत की स्थिति ये है कि इस पीरियड में कुछ नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं। जैसे एक तो ये घग्घर हाकरा बेसिन में अवस्थित है, और कालीबंगा के इसी, देखो जब हम लोग पढ़ेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे हड़प्पा साइट पढ़ते हैं तो हड़प्पा में पूर्व हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा काल भी है, विकसित हड़प्पा काल भी है, और उत्तर हड़प्पा संस्कृति भी है हड़प्पा में। तो कालीबंगा के इस चरण से हमें क्या मिलता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो एक कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पर से नहीं मिल रहा। जब हम संस्कृति का डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो जब हम ऊपर से नीचे एक्सकेवेशन करते हैं तो एक ही साइट में नीचे भी मिलेगा, उसके बाद मिलेगा, उसके बाद मिलेगा, उसके बाद में मिलेगा। तो नीचे में ये आपका जूता हुआ खेत मिल रहा, उसके बाद हड़प्पा का विकसित चरण वहाँ पर आ रहा है। और इसलिए ध्यान ये रखना है कि यहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो खेत को जोतने का जो तरीका है यहाँ पर, खास करके कालीबंगा में जो चीज़ हमें मिला, उसके जोतने का जो तरीका है, उसको देखने से लग रहा है कि एक ही खेत में एक से अधिक फसल का उत्पादन किया जा रहा था। देखो ये जो गैप है वो बराबर नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि जब बैल से खेती की जाती थी तो जो बैल से हल चलाते थे वो एक तरह से गैप को बराबर रखने का प्रयास करते थे चारों तरफ। यहाँ पर गैप है, यानी कुछ फसलों के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है और कुछ फसलों के लिए कम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है।
तो इससे हमें क्या एक संदर्भ मिलता है कि एक खेत में एक मौसम में एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता था। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये साइन हमें दे रहा कि सरप्लस प्रोडक्शन पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होगी। दो और इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है खेती के संदर्भ में, कृषि टेक्नोलॉजी के विकास के संदर्भ में। एक है पाकिस्तान के चोलिस्तान, है ना, ये पाकिस्तान में है, चोलिस्तान स्थल है, यहाँ से मिट्टी के बना हल की प्रतिकृति मिली है, यानी टेराकोटा मिला है मिट्टी का, है ना, जैसे गांव में खिलौना जो बनाते थे मिट्टी का, खेलने के लिए लड़कियां बनाती थी, तो ये उस तरह से हल बना हुआ मिला है पाकिस्तान के चोलिस्तान में। और फिर भारत में हरियाणा में एक के स्थल है बनावली, इस बनावली से भी ये चीज़ मिला है। इसको देख के जो इतिहासकार हैं वो कह रहे हैं कि यहीं पर इस पीरियड में आकर के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडवांसमेंट हुआ है, और चूंकि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडवांसमेंट हुआ है तो इसी सरप्लस प्रोडक्शन जो है काफ़ी बढ़ता है, जो कि नगरीकरण के आधार का निर्माण करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान ये रखना है कि एक स्थल है ये अमरी, राइट, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, है ना, ये सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में ही है, और यहाँ से अन्नागार मिलता है। ध्यान ये रखना कि यहाँ से ग्रेनरी का प्रमाण मिलता है। इस दोनों को आप एक जगह मतलब कोरिलेट करने का प्रयास करें कि एक तरफ आपको क्या मिल रहा है, तो एक तरफ मिल रहा है कि कृषि के क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है, और दूसरी तरफ आपको क्या मिल रहा कि अन्नागार का हमें प्रमाण मिलता है अमरी से। तो अगर अन्न भंडार गृह हमको कब मिलेगा, जब बड़े पैमाने पर अन्न का उत्पादन होगा तभी तो मिलेगा। अन्न भंडार गृह पहले नहीं मिल सकता है, अगर सोसाइटी में जब तक उतना प्रोडक्शन नहीं हो तब तक हम सोसाइटी में अन्न भंडार गृह का निर्माण क्यों करेंगे। तो ये भी बता रहा कि सरप्लस प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावे जो है इस पीरियड में, खास करके इस पीरियड में, अब जैसे एक है कोट दीजी, ये भी है आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये स्थल है कोट दीजी, यहाँ से कच्चे ईंट से घरों के निर्माण का प्रमाण, एक तो कच्चा ईंट, देखो पहले ईंट का प्रयोग घर बनाने के लिए नहीं करते थे, अब यहाँ से कच्चा ईंट का घर का प्रमाण हमें मिल रहा। और दूसरा चीज़ क्या मिल रहा कि कोट दीजी से हमें मिल रहा दुर्गीकरण का प्रमाण, फोर्टिफिकेशन का प्रमाण, और दुर्गीकरण को नगरीकरण का प्राथमिक चरण माना जाता है। अगर किसी सोसाइटी में अगर नगरीकरण होता है तो नगरीय समाज देखोगे कि अपने घरों को चारों तरफ से बाउंड्री बना करके रखते हैं, क्योंकि नगरीय समाज में सुरक्षा की भावना बहुत प्रबल होती है, और इसलिए ये दुर्गीकरण का जो प्रमाण है यह नगरीकरण की शुरुआत को भी दिखा सकता है। और एक और चीज़ कोट दीजी से मिला है, यहाँ से जो पॉटरी मिला है, पॉटरी मतलब मिट्टी का बर्तन, मृदभांड, हिंदी में इसको मृदभांड बोलते हैं। तो कोट दीजी का जो मृदभांड है वो विकसित हड़प्पा संस्कृति का जो मृदभांड है इससे सिमिलर है,
ध्यान ये रखना कि यहाँ पर जो हमारा मृदभांड है, जो मिट्टी का बर्तन है, वो लाल या गुलाबी रंग का होता है, जिसपे काले रंग का चित्र बनाया हुआ होता है। तो काले रंग का जो चित्र यहाँ पर बनाया है, वो चित्र के अंतर्गत भी मछली का जो फिन्स है उसका चित्र बनता है, या कुंवरदान साढ़ का चित्र बनता है, या फिर त्रिभुज को एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हुए, या वृत्त को एक दूसरे से क्रॉस करते हुए। तो ये चीज़ कोटदीजी के मृदभांड से भी मिलता है। ये भी हमको दिखाता है कि सभ्यता का विकास जो है क्रमिक हो रहा। एक और स्थल आप याद रखना, ये है, आपको हमने अफगानिस्तान का बताया था, मुंडेगांक है ना, ये अफगानिस्तान में है। और यहाँ से पब्लिक बिल्डिंग का प्रमाण मिलता है, पब्लिक बिल्डिंग, राइट। देखो, पब्लिक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा बिल्डिंग जिसका सार्वजनिक उद्देश्य उपयोग किया जाता हो। यानी यहाँ पर एक ऐसा घर मिला है जिसमें 5-6 कमरे बने हुए हैं, और इतिहासकार उसका इंटरप्रेशन कर रहे हैं कि यहाँ आकर के क्या हुआ, कि इस पीरियड में आकर क्या हुआ कि संभवतः लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड शुरू हो गया था। लॉन्ग डिस्टेंस यदि अधिक दूरी से ट्रेड शुरू हो गया था, और ये मुंडेगांक जो है एक तरह से भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापारिक केंद्र के रूप में इसका विकास हो रहा था। यानी मध्य एशिया से व्यापारी आते थे, मुंडेगांक में अपने सामान को रखते थे, और फिर मुंडेगांक से जो हड़प्पा का जो क्षेत्र है, या जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग वहाँ से उसके सामान को खरीद के लाते थे। और इस तरह से ये एक तरह से मध्यवर्ती केंद्र के रूप में डेवलप हुआ। और इससे भी यह बात रेखांकित किया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास क्रमिक रूप से होता है। और इस तरह से इस वर्ग के जो इतिहासकार हैं, वो दिखा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्रमिक रूप से आगे की ओर बढ़ती है, न कि बाहर से ये केवल उधार लिया गया है। अब देखो, इसमें एक चीज़ बस केवल आपको जोड़ के रखना है कि इससे हमें ये रेखांकित होता है कि ये सभ्यता मूलतः भारतीय है, सभ्यता मूलतः देशज है। हाँ, ये हो सकता है कि व्यापार के माध्यम से कुछ इसमें एलिमेंट मेसोपोटामिया से आई हो या दूसरी सभ्यताओं से आई हो, लेकिन इस सभ्यता का ओरिजिन जो है मूलतः भारतीय है।